अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं जनरल एनाटॉमी मॉड्यूल और जो बुक हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं साथ साथ उसका नाम है BD84 हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी, जिसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उनकी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स मैं दोबारा दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो 5 वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी मेडिकल लिटरेचर मैं अपडेट करता रहूं अपने चैनल पर वो मिलता रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 है ये बीडी की हैंडबुक से, BD84 जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक, और इस चैप्टर का नाम है लिम्फैटिक सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसके क्लिनिकल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। क्लिनिकल इंप्लीकेशन हम आगे जब इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे वो इन्फ्लेमेशन की बात हो, इन्फेक्शन की बात हो, कैंसर की बात हो, लिम्फैटिक सिस्टम का जिक्र जरूर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लिम्फैटिक सिस्टम इज एसेंशियली अ ड्रेनेज सिस्टम विच इज एसेसरी टू द वेनस सिस्टम। ये आपको डेफिनेशन समझना बहुत 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 जरूरी है, जो मैं आपको इस डायग्राम पे समझाता हूं। देखें यहां जो डायग्राम दी है, इसमें सेंटर में एक हार्ट बना हुआ है, दिस इज योर हार्ट, और यहां से हार्ट से ब्लड जब निकलेगा तो इट गोज इनटू द आर्टेरियोलर सिस्टम, आर्टरीज में आएगा, आर्टेरियोल्स में आएगा, कैपिलरीज में आएगा, और फिर टिश्यूज में से होता हुआ वेनस सिस्टम के जरिए इट कम्स बैक टू योर हार्ट। ओके, तो ये तो आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हार्ट से ब्लड निकलेगा, आर्टरीज में जाएगा और वेन्स के थ्रू वापिस आ जाएगा। अब इन पैरेलल टू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम एक और सिस्टम, एक बायपास सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उस बायपास सिस्टम का नाम है लिम्फैटिक सिस्टम। ये देखें, अगर यहां पे सेल्स और टिश्यूज हैं तो एक ये पाइपलाइन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। इसका काम होता है लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल, सेलुलर डेब्री, इन्फ्लेमेशन के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे इस तरह की चीजें जो वेनस सिस्टम में एंटर नहीं हो सकती, फिल्टर नहीं हो सकती, वो इस सिस्टम में एंटर हो जाती हैं, इस पाइपलाइन सिस्टम में, और ये पाइपलाइन सिस्टम उसको लेकर यूं आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए वापस फाइनली ड्रेन करता है वेनस सिस्टम के अंदर। सो ये एक्चुअली एक बायपास मैकेनिज्म है, लार्जर प्रोडक्ट्स को सेल्स के बीच में से लेके जाता है, फिल्टर वगैरह करके वापस लाके वेनस सिस्टम में ड्रेन कर देता है। तो ये सिस्टम एक बायपास सिस्टम है जो अल्टीमेटली ड्रेन करता है वेनस सिस्टम में। ठीक है, तो ये लाइन अब आपको समझ में आनी चाहिए कि इट इज अ ड्रेनेज सिस्टम विच इज एसेसरी टू द वेनस सिस्टम, यानी वेनस सिस्टम के साथ चलता है और अल्टीमेटली उसमें ड्रेन करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिम्फैटिक सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है, सेल्स के दरमियान से, इंटरसेलुलर स्पेसिस से, और फाइनली ड्रेन कहां करता है, वेनस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपकी पूरी जनरल सर्कुलेशन चल रही होती है, यूजुअली आर्टरीज के थ्रू आता है ब्लड और वेन्स के थ्रू जाता है, लेकिन 10% ऑफ द फ्लूड जो है, जो टिश्यूज में फ्लूड होता है सेल्स के बीच में, यानी ये एक सेल अगर है और ये दूसरा सेल है, तो इसके बीच में यहां जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां से ये कैपिलरीज, लिम्फैटिक कैपिलरीज यूं स्टार्ट होती हैं और ये इसमें ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10-20% of the tissue fluid is absorbed by the lymphatics, which begin blindly in the tissue spaces. जैसे मैंने आपको यहां बताया, दोबारा एक दफा बता रहा हूं, suppose एक cell ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसके बीच में ये लार्जर मॉलिक्यूल्स और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, तो यहां टिश्यूज के, सेल्स के बीच में ये लिम्फैटिक कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती हैं ब्लाइंडली, और ये मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर होना शुरू हो जाते हैं और ये लिम्फैटिक्स के थ्रू फिल्टर होते हुए वेनस सिस्टम में पहुंचते हैं। सो लिम्फैटिक कैपिलरीज इनिशिएटेड blindly in the tissue spaces, okay, and they carry the larger molecules. आगे देखें क्या लिखता है, it is important to know that large particles, proteins for example, can be removed from the tissue only by lymphatics. अब ये देखें जबरदस्त चीज है जो आपको याद रखनी है, कि अगर ये lymphatic bypass mechanism ना होता तो veins में वो molecules ना जाते और यहां tissues में सारे large particles जमा होना शुरू हो जाते, edema हो सकता था और बहुत सारे मसाइल हो सकते। तो nature ने आपको एक venous system के साथ साथ एक bypass mechanism दिया है जिसमें से लार्जर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम हमारी बॉडी में ये मौजूद है। सिंपल जबान में इसको कहते हैं कि जी लिम्फैटिक सिस्टम जो है, इट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कोर्स टाइप, यानी बड़े मॉलिक्यूल को लेके जाता है, और जो वेनस सिस्टम है, इट इज अ ड्रेनेज सिस्टम फॉर फाइन टाइप, ये छोटे पार्टिकल्स को लेके जाता है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। नाउ दिस हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम। ये एग्जाम में भी अक्सर सवाल होता है, वाइवा में भी पूछते हैं कि जी लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो लिम्फैटिक सिस्टम के गाइस देयर आर 4 पार्ट्स जो आपको याद रखने हैं। पहला लिम्फ वेसल्स, दूसरा सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू, तीसरा पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू, और चौथा सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। तो ये 4 पार्ट्स आपको याद रखने हैं, वन बाय वन मैं ये सारे आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिम्फ वेसल्स।
नाउ लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स, अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट होती हैं, तो शुरू में वो एरिया क्या कहलाता है, लिम्फ कैपिलरीज, दे बिगिन ब्लाइंडली इन द टिश्यू स्पेसेस एंड फ्रॉम द इंट्रिकेट नेटवर्क, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। और ये बेसिकली ओवरऑल पिक्चर आपको समझनी है, मैं यहाँ साइड पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज ये सेल आपके पास है, ये दूसरा सेल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके बीच में सपोज ये लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो यूं कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। फिर ये एंटर होती हैं एक वेसल में जिसका नाम होता है लिम्फेटिक वेसल, तो ये बन गई लिम्फेटिक वेसल। अच्छा, फिर रस्ते में इस तरह के आते हैं नोड्स, ये अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर लिम्फेटिक वेसल्स कंटिन्यू करती हैं, फिर नोड्स आते हैं, और फिर ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये आगे चल के लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और ये लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स अल्टीमेटली एंटर हो जाती हैं वेन्स में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि द लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स अल्टीमेटली एंटर इनटू द वेन, तो ये जो चीज होगी दिस विल बी द वेन। तो लिम्फेटिक वेसल्स का जो पाइपलाइन का सिस्टम है वो शुरू होता है एज कैपिलरीज, और फिर ये कंटिन्यू करता है, बीच में लिम्फ नोड्स आते हैं, और ये लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स और वेन में फाइनली ये यू एंटर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये बात बता रहे हैं कि लिम्फ कैपिलरीज बिगिन होती हैं टिश्यू स्पेसेस में और फिर ये आगे चलती है। अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ कैपिलरीज ये भी कैपिलरीज हैं, और ब्लड कैपिलरीज जो आपने पढ़ा था वो भी कैपिलरीज हैं। लिम्फ कैपिलरीज यूजुअली कलरलेस होती हैं जबकि ब्लड कैपिलरीज रेडिश होती हैं। अक्सर एग्जामिनर्स डिफरेंसेस पूछते हैं कि जी क्या डिफरेंस है लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में। अच्छा, लिम्फ कैपिलरीज टिश्यूज में स्टार्ट होती हैं ब्लाइंडली जबकि ब्लड कैपिलरीज ब्लाइंड स्टार्ट नहीं होती हैं। आपको याद है ना, आर्टरी होती है, आर्टरी ब्लड लेके आ रही होती है, फिर यहाँ कैपिलरीज बनती हैं और फिर ये ब्लड जाता है वाया द वेन। यानी कैपिलरीज जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी एक तरफ आर्टरीज हैं और उनके दूसरे तरफ वेन्स हैं, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज में ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया ये सेल्स होते हैं और ये ब्लाइंडली यूं स्टार्ट हो जाती हैं कैपिलरीज, ऐसा नहीं है कि इनके एक तरफ कुछ होगा दूसरी तरफ कुछ होगा, ऐसा नहीं है। सो दीज कैपिलरीज स्टार्ट ब्लाइंडली, ये इसका मतलब है। ठीक है, नाउ दे आर वाइडर देन ब्लड कैपिलरीज, देयर वॉल इज थिन एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इनमें कलरलेस लिम्फ होता है जबकि इसमें ब्लड होता है जाहिर है कलर रेड कलर का, और दे हैव रिलेटिवली लो प्रेशर एंड दे एब्जॉर्ब टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये सारी बातें आपको मैंने समझा दी हैं, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है बिटवीन द लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड द ब्लड कैपिलरीज। ऑल राइट, जब ये डिफरेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए तो अब आगे चलते हैं, और ये एक बहुत ही जबरदस्त डायग्राम है जो हमें डिस्कस करनी है। इस डायग्राम में बेसिकली दोबारा वही बात हो रही है जो पहले यहां इस डायग्राम में की थी। ठीक है, देखते हैं क्या। ये अगेन हार्ट हो गया, हार्ट में से ब्लड जा रहा है वाया द आर्टरीज और फिर ये लिवर में आ रहा है, यहां कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है और वापस जा रहा है वाया द वेन इनटू द हार्ट। ठीक है, अच्छा अब देखें ये लिवर के सेल्स हैं, मैं बड़ा करके इस इमेज को आपको दिखाता हूं, दीज आर द लिवर सेल्स। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और देखें सेल्स के साथ बीच में ये शुरू हो गई लिम्फेटिक कैपिलरी और ये बन गई बड़ी लिम्फेटिक वेसल। आ रही बात समझ में? तो देखें ये भी लिम्फेटिक कैपिलरी है, ये भी लिम्फेटिक, किस तरह सेल्स के बीच में लिम्फेटिक कैपिलरी स्टार्ट हो रही है और बीच में लिम्फ नोड्स आ रहे हैं और ये कैपिलरी आखिर में आके आ कहां रही है, देखें वेन के अंदर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स अ बायपास सिस्टम जो आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ पैरेलल में एग्जिस्ट करता है और इसका काम है लार्ज पार्टिकल्स को लेके जाना। सो दैट इमेज इज गुड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगेन नाउ लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फेरिक्स, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि बहुत सारी लिम्फेरिक कैपिलरीज जो टिश्यूज में से स्टार्ट होती हैं ये मिलके लिम्फेटिक्स बना देती हैं। ठीक है, ये सुपरफिशियल होंगी तो सुपरफिशियल लिम्फेरिक्स कहलाएंगी, डीप होंगी तो डीप लिम्फेटिक्स कहलाएंगी, और अगर सुपरफिशियल लिम्फेरिक्स हैं तो ये वेन्स के साथ चल रही होती हैं, डीप लिम्फेटिक्स हैं तो ये आर्टरीज के साथ चल रही होती हैं बॉडी में। अच्छा, होता ये है के जो फिर दोबारा एक दफा इसको डिस्कस करते हैं, ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से ये कैपिलरीज स्टार्ट हुई और इन्होंने बनाई ये लिम्फेरिक वेसल। ठीक है, लिम्फेरिक वेसल हुई और ये लिम्फ नोड आया और फिर लिम्फेरिक वेसल हुई और बहुत सारे लिम्फ नोड्स आते हैं, अल्टीमेटली जो मैंने कहा था ना लार्जर लिम्फेरिक वेसल्स बनती हैं। ये लार्जर लिम्फेरिक वेसल्स दो हैं जो आपको याद रखनी है, एक का नाम है थोरैसिक डक्ट और दूसरी का नाम है राइट लिम्फेरिक डक्ट। ठीक है, तो ये लिम्फेरिक वेसल्स हैं और ये लिम्फेरिक वेसल्स अल्टीमेटली जाती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती हैं। अब मैं आपको ना एक इमेज दिखाता हूं, वो बहुत जरूरी है समझना, ये वाली इमेज देखें। इस इमेज में ये दिखाया है कि आपकी बॉडी को अगर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये वाला जो पोर्शन है ना जिसमें राइट लिम्ब पूरा शामिल है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट शामिल है और राइट हेड और नेक रीजन शामिल है, ये सारा ड्रेन करता है लिम्फेटिक राइट लिम्फेटिक डक्ट में। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि राइट साइड ये वाला जो ग्रीन एरिया है यहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज किस वेसल के जरिए होती है, तो उस लिम्फेटिक वेसल का नाम है राइट लिम्फेटिक डक्ट। बाकी
पूरी बॉडी का लिम्फेटिक अल्टीमेटली जाता है थोरेसिक डक्ट के अंदर। तो ये जो मेजर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो दो हैं, एक का नाम है थोरेसिक डक्ट और दूसरे का नाम है राइट लिम्फेटिक डक्ट। और इनका ड्रेनेज एरिया आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से लिम्फ लेकर के आते हैं। ओके, तो ये लिम्फेटिक का पूरा चैनल आपकी समझ में आ गया। एक बार फिर आपको समझा रहा हूं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, सो सेल्स हैं हमारे पास, उन सेल्स के बीच में लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से जो स्टार्ट हुई उनका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरी मिलके बना देती है लिम्फेटिक वेसल, बीच में लिम्फ नोड्स आते रहते हैं और अल्टीमेटली अगर ये राइट अपर लिम और राइट चेस्ट और राइट साइड ऑफ द बॉडी से आ रही है तो ये ड्रेन करेगी राइट लिम्फेटिक डक्ट में, और अगर ये लेफ्ट पार्ट से आ रही है तो ये ड्रेन करेगी थोरेसिक डक्ट में, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन कर जाएंगे हमारे ब्रेकियोसेफेलिक वेंस के अंदर। ओके, तो लिम्फेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने आपको कहा था कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं, देखिए ये बात मैंने यहां बताई थी, चार कंपोनेंट्स में पहली चीज लिम्फ वेसल समझ में आ गया, यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या है तो आपको पता है, अगर मैं आपको पूछूं लिम्फेटिक वेसल्स क्या है तो आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स के नाम बताइए तो आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स जो दो तरह की हैं थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट वो कौन से एरियाज को ड्रेन करती है तो वो आपको पता है। तो बेसिकली लिम्फ वेसल्स का चैप्टर हमने कर दिया क्लोज, ये अच्छी तरह समझ लिया। अब सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू की बात करते हैं। सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब ये है, दो ऑर्गन्स इसमें शामिल हैं, दे इंक्लूड बोन मैरो एंड थायमस। देखें बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं और थायमस में टी सेल्स जाके मैच्योर होते हैं। इस वक्त बस इतना याद रखना है आपने कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं और थायमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं। ठीक है, थायमस टी और टी सेल मैच्योरेशन की बात आपने याद रखनी है। टी सेल मैच्योरेशन का मतलब यह है, देखें टी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे फंक्शंस के लिए बॉडी में। फॉर एग्जांपल ये साइटोटॉक्सिक क्लिंक करते हैं वायरस की, फंजाई की, कैंसर सेल्स की और बहुत सारे इंफ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो टी सेल तब काम करेंगे जब वो थायमस में मैच्योर होंगे, और थायमस क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो सेंट्रल लिम्फेटिक ऑर्गन है बोन मैरो और थायमस। ठीक है, अब इसी तरह पेरिफेरल लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है, पेरिफेरल लिम्फोटिक ऑर्गन में आते हैं लिम्फ नोड, जो मेजर चीज है। ठीक है, लिम्फ नोड या स्प्लीन को भी हम पेरिफेरल लिम्फेटिक ऑर्गन कहते हैं। लिम्फ नोड्स बेसिकली ये होते हैं, मैं बार बार ऊपर भी आपको बता रहा था, मैं फिर ये डायग्राम इतनी दफा बनाऊंगा कि आपको हिफ्ज हो जाए। यहां पे बहुत सारे सेल्स के बीच में लार्ज पार्टिकल्स हैं, ये कैपिलरीज निकल रही हैं, कैपिलरीज ने लिम्फेटिक वेसल बनाई, लिम्फेटिक वेसल के बीच में ये गोल गोल जो चीज आती है ना इसे कहते हैं लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन फैक्ट्री है कि जब इसमें से लिम्फ गुजरता है तो वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो लिम्फ नोड कहलाता है पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। इसी तरह स्प्लीन है, स्प्लीन भी कहलाता है पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। और चौथा कंपोनेंट था लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फोसाइट्स। दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो आपको याद रखने, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं ताकि ये मुख्तलिफ जर्म्स के खिलाफ फाइट कर सकें, और टी लिम्फोसाइट्स साइटोटॉक्सिक रिस्पांस रखते हैं, ये डायरेक्टली किल कर सकते हैं कैंसर सेल्स को और बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को। तो मैं एक बार फिर इस पूरे चैप्टर पे आपको बार बार पीछे लेके जा रहा हूं ताकि जनरल कॉन्सेप्ट आपकी ना समझ में आता रहे कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमने क्या बात की। ये ड्रेनेज सिस्टम है, बाईपास मैकेनिज्म होता है जो निकलता है टिश्यूज में से और आता है अल्टीमेटली वेन के अंदर। ठीक है, ये फिगर मास्टर करनी है। कंपोनेंट्स चारों पता होने चाहिए। लिम्फेटिक वेसल्स की बात कर ली, सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू कौन कौन से, बोन मैरो और थायमस, पेरिफेरल टिश्यूज में क्या क्या है, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट कौन कौन से हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं। और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर इन्होंने यहां पे बयान किया है, लिम्फ फॉलिकल भी एक डेफिनेशन बताई है। होता यह है कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये एग्रीगेट हो जाते हैं, तो उस एग्रीगेट को हम कहते हैं लिम्फेटिक फॉलिकल। इसी तरह जो लिम्फ नोड है ये आपके ब्लड वेसल्स नहीं बल्कि लिम्फ वेसल्स के बीच में आता है, यानी अगर एक लिम्फेटिक ये है तो ये जो गोल स्ट्रक्चर होगा ये गोल स्ट्रक्चर कहलाएगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, और हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे लईक हुसैन की बुक से, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त कुछ जनरल एनाटॉमी के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड्स आर स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन द कोर्स ऑफ स्मॉलर लिम्फेटिक्स। जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसके बीच में ये पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है। इनका साइज यूजुअली होता है 1 to 25 millimeters लॉन्ग, ये बात हमने कर ली है। अच्छा, ये ग्रुप्स में होते हैं, यानी इसमें से कुछ एक ग्रुप के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल गर्दन के एरिया में उन्हें हम कहेंगे सर्वाइकल, कुछ एक्सिला में होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सिलरी, इंग्वाइनल, मेसेंट्रिक। इनकी इंपॉर्टेंस है, देखें इंपॉर्टेंस ये है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया हुआ है, ओटाइटिस मीडिया मतलब कान में इन्फेक्शन। ठीक है, अब कान को अगर ड्रेन कर रहे हैं पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड ग्रुप, ये वाला लिम्फ नोड ग्रुप जो कान के पीछे है, तो होगा
होगा ये कि कान के इन्फेक्शन की वजह से ये वाले जो लिम्फ नोड्स हैं ये साइज में बड़े हो जाएंगे, यानी जब ये साइज में बड़े हो जाए तो इसका मतलब कान में कोई गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज स्क्रॉटम और स्क्रॉटम में यहां टेस्टिस मौजूद हैं और यहां पे जो लिम्फ नोड का ग्रुप होगा इंग्वाइनल रीजन में, इसे हम कहेंगे इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अब ये जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, अगर टेस्टिस में कैंसर हुआ या टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हुई तो जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, क्योंकि यहां से लिम्फ जाएगा इंग्वाइनल लिम्फ नोड में, तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है दे विल बी इनलार्ज्ड। तो अगर किसी के इंग्वाइनल लिम्फ नोड इनलार्ज्ड है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है या कैंसर हो सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड का पता हो, जैसे जो कान के पीछे पोस्ट ऑरिकुलर, इसी तरह सर्वाइकल जो आपके गर्दन में होंगे, अगर डीप है तो डीप सर्वाइकल, ऊपर ऊपर है तो सुपरफिशियल सर्वाइकल, मैंडिबल के नीचे है तो सब मैंडिबुलर, और अगर कान के सामने है फ्रंट एरिया में तो प्री ऑरिकुलर, पीछे है तो पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल एरिया में तो सो ये ग्रुप्स ऑफ एक्सिला में है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ब्रेस्ट ड्रेन करता है एक्सिला में एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर। तो ये सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब ग्रुप्स का पता होगा, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी रही बात हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा जब अलग से हिस्टोलॉजी आपको मैं टीच करूंगा, उस वक्त लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा। मोटी मोटी बात यह है कि यह है देखें लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में से निकल रही हैं कैपिलरीज और ये कैपिलरीज मिलके बना रही हैं लिम्फैटिक वेसल और ये बीच में यूं गोल गोल चीज आ जाती है लिम्फैटिक वेसल के, इसे कहते हैं लिम्फ नोड। अब देखें यहां से लिम्फ ऐसे जा रहा होगा ना, तो वो यूं लिम्फ जा रहा होगा तो वो ब्लड वेसल्स जो लिम्फ को लेके जा रही है उसे नाम देते हैं लिम्फैटिक afferent lymphatic vessel, और जो लिम्फ नोड से दूर लेकर जा रही है लिम्फ को, यानी कि दूर लेकर जा रही है लिम्फ को, उसको कहते हैं efferent lymphatic, ठीक है। फिर इसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग कैप्सूल होता है, सो दिस इज द कैप्सूल अगेन अराउंड द इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्फ नोड। इस कैप्सूल में से यूं पार्टीशन अंदर आ रहे होते हैं, ये देखें डिफरेंट पार्टीशन अंदर आ रहे हैं, बाहर का एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का एरिया मेडुला कहलाता है, यहां हाइलम है जिसमें आर्टरी ब्लड लेके आएगी और वेन ब्लड लेके जाएगी, तो ये सारे एरियाज आपको पता होने चाहिए, ओके। इसी तरह पैराकॉर्टिकल, कॉर्टेक्स के साथ जो एरिया है उसे कहते हैं पैराकॉर्टिकल एरिया जिसमें टी सेल्स होते हैं। सो ऑल द वर्ड्स ऑन दिस डायग्राम शुड बी क्लियर टू यू, आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए डायग्राम, ओके। सो आने वाला जो लिम्फेरिक वेसल है आफरेंट लिम्फेरिक, जाने वाला ईफरेंट लिम्फेरिक एंड ऑल दीज वर्ड्स, ओके। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं, डिफरेंट जोन्स होते हैं, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, एक और डायग्राम इन्होंने यहां दी हुई है, इसको देखते हैं। ये मैंने बताया अभी, मैं आपको नहीं समझा रहा, ये मैं हिस्टोलॉजी में समझाऊंगा, ठीक है। डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स मेडुला में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं जो हम समझेंगे जब बात करेंगे पर्टिकुलरली लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी की, ठीक है। तो अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं बहुत जल्द आपको हिस्टोलॉजी में पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये तो होगा लिम्फ नोड जो लिम्फ वेसल्स के बीच में होते हैं, यानी लिम्फ वेसल है इधर इधर, ये नोड है, इनको कहते हैं लिम्फ नोड। ह्यूमंस में एक एग्जांपल है जो ब्लड वेसल्स के बीच में भी नोड है और उसका नाम है स्प्लीन, उसको हम नाम देते हैं हीमल नोड। देखें लिम्फ नोड लिम्फ के बीच में होगा, लिम्फेरिक वेसल के बीच में, और हीमल नोड है तो वो ब्लड वेसल के बीच में होगा, ठीक है। ये यूजुअली दूसरे एनिमल्स में होता है, स्मॉलर एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमन में इसकी एक एग्जांपल है स्प्लीन। अक्सर एग्जामिनर्स यहां कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कि बताइए ह्यूमंस में ह्यूमन नोड की एग्जांपल क्या है, तो उसकी एग्जांपल स्प्लीन। स्प्लीन में एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है, एक तरफ से ब्लड जा रहा होता है और वो नोड की तरह होता है, ठीक है, इसीलिए उसको ह्यूमन नोड कहते हैं। अच्छा, फिर एक सिस्टम है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसका बेसिकली काम होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये बॉडी का, ये बॉडी को सेव कर रहा होता है बहुत सारे इन्फेक्शन से, इसमें मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व्ड हैं, मोनोसाइट्स हैं, और लिवर के मैक्रोफेजेस को कुप्फर सेल कहते हैं, इसी तरह माइक्रोग्लाया है, नर्वस, तो ये सब मिलके हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन रिलेटेड है काफी हद तक उसके फंक्शन से, इसलिए इसको यहां पे मेंशन किया हुआ है। एनीवेज, इससे भी परेशान होने की बात नहीं है, दिस इज एन इजी थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ग्रोथ पैटर्न ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, इसको जरा सुने। देखें जब बच्चा पैदा होता है तो लिम्फोइड टिश्यू इज वेरी प्रोमिनेंट एट बर्थ, ठीक है, उसके बाद ये ग्रो करता है रैपिडली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और प्यूबर्टी पे ये सीज हो जाती है इसकी ग्रोथ और फिर बुढ़ापे में एट्रोफी करता है, यानी जितना पूरा लिम्फेरिक सिस्टम है, थायमस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, ये एट्रोफी हो जाते हैं, ये साइज में कम हो जाते हैं, फंक्शन में कम हो जाते हैं एज के साथ साथ, ठीक है, ये बात याद रखनी है। लेकिन ये साइज में बढ़ जाते हैं अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो फॉर एग्जांपल, तो इनका साइज बढ़ जाता है, अगर कोई ट्यूमर कंडीशन हो जैसे हॉजकिन डिजीज है तो इनका साइज बढ़ जाता है। सो लिम्फ नोड के बढ़ने का मतलब साइज
पल्पेट करते हैं, जब इसको फील करते हैं और इसका साइज बड़ा महसूस होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। लिम्फ नोड का बढ़ना इज अ पैथोलॉजी और कैंसर से एसोसिएटेड है ये, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके एक्सिला के लिम्फ नोड का साइज बड़ा हो सकता है, ओके? इसी तरह अगर किसी को इंग्वाइनल लिम्फ नोड बड़े हो गए हैं तो उसके टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो लिम्फ नोड का साइज बढ़ना को कभी भी इजी नहीं लेना है, ऑलराइट? अच्छा जी, अब ये एक हेडिंग है, फंक्शंस ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब एंड रिमूव लार्ज प्रोटीन, ये बात हमने कर ली। सेलुलर डेब्री, फॉरेन पार्टिकल, तो सेल्स के बीच में जो भी गंद कचरा जमा हो जाएगा उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? लिम्फैटिक सिस्टम की, ठीक है? तो ये लिम्फैटिक कैपिलरी आएंगी, लिम्फैटिक वेसल बनेगी, लिम्फ नोड बनेगा और लार्जर लिम्फैटिक वेसल बनेंगी जिनके नाम थे राइट थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फैटिक डक्ट। ये आपको ऊपर मैंने समझा दिए, ठीक है? लिम्फ नोड के क्या क्या काम है भाई? ये लिम्फ नोड बीच में क्यों होता है? बेसिकली ये फिल्टर करता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, ताकि अंदर जो भी डेब्री है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर हो जाएं और लिम्फ क्लीन होकर ब्लड में वापस शामिल हो जाए, ठीक है? तो इट रिमूव्स द फॉरेन पार्टिकल, इट रिमूव्स द एंटीजन। एक काम और ये करता है कि जो लिम्फ नोड है ना, दिस इज सपोज द लिम्फ नोड, इसमें बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ करते हैं और एक तो इनको खत्म करते हैं वाया फैगोसाइटोसिस और दूसरा बहुत सारे प्रोटीन्स अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, ये जो सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं तो होता ये है कि साथ में जो टी सेल्स होते हैं वो इन पर आके इजीली अटैक कर सकते हैं या बी सेल्स होते हैं वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकते हैं। सो मैक्रोफेज, ये सारा कुछ इम्यून सिस्टम से फाइटिंग का काम हो रहा होता है लिम्फ नोड के अंदर। यानी लिम्फ नोड कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, एंटीबॉडीज बन रही हैं, साइटोटॉक्सिक किलिंग हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। सो लिम्फ नोड इज, तो अब जरा पूरे सिस्टम को एक दफा इमेजिन करें, कितना जबरदस्त सिस्टम है। सेल्स हैं, सेल्स के बीच में ये प्रोटीन्स हैं और ये वो चीजें हैं जो आपके वेनस सिस्टम में नहीं एंटर हो रही, ठीक है? ये लिम्फैटिक कैपिलरीज से लिम्फैटिक वेसल में आई और बीच में नेचर ने ये लगा दिया भाई फिल्ट्रेशन प्लांट। इस फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर सारा लिम्फ साफ हो जाएगा और अल्टीमेटली ये लिम्फ चला जाएगा आपके वेनस सिस्टम के अंदर। तो ये जो सारी गंदगी थी, सारा डेब्री था, वो डायरेक्ट वेन्स में नहीं गया, इस बाईपास मैकेनिज्म से साफ होकर फिर वेन में गया। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम। अच्छा, क्लिनिकल एनाटॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखें। लिम्फैटिक सिस्टम का काम है आपकी बॉडी में लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि इसमें जो लिम्फ नोड है इसमें मैक्रोफेजेस हैं और पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है, ठीक है? अच्छा, लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। ये बात अब आपको अच्छी तरह ऑलरेडी पता है कि जब कभी वर्ड आइटस 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 आएगा तो इन्फ्लेमेशन है। तो अगर लिम्फ वेसल्स की, सॉरी लिम्फ नोड्स की नहीं, लिम्फ वेसल्स की अगर इन्फ्लेमेशन है तो लिम्फेंजाइटिस, और अगर लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन है तो लिम्फ एडेनाइटिस, ठीक हो गया? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर एक डायग्राम इन्होंने बताई है, यहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम एलिफेंटियासिस का। होता ये है कि सपोज ये एक लिम्फेटिक वेसल है, अगर ये किसी लेवल पे ब्लॉक हो गया किसी भी वजह से, ठीक है, उसकी वजूहत मैं भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल एक पैरासाइट है, फिलेरियल पैरासाइट, ये रहता ही लिम्फेटिक वेसल में, तो अगर ये ग्रो करेगा तो ये लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाएगी। या से फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, तो कैंसर में भी कैंसर के सेल्स लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो होगा ये कि यहां से जो लिम्फ गुजर रहा था इस चैनल के थ्रू और वो अल्टीमेटली जा रहा था एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, अब चूंकि चैनल ब्लॉक हो गया तो ये लिम्फ गुजरेगा नहीं। जब ये लिम्फ गुजरेगा नहीं तो ये वाला जो एरिया है, सोचें क्या होगा, इट विल हैव एडीमा। यानी इस चैनल के ब्लॉकेज की वजह से ये पूरा जो पेरिफेरल पार्ट है ये सूज जाएगा, एडीमेटस हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है? तो ये अपर लिम की एग्जांपल दी है। फिर नीचे यहां इन्होंने डायग्राम में स्क्रॉटम दिखाया है, देखें। से फॉर एग्जांपल यहां पर है इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स और ये स्क्रॉटल एरिया की लिम्फेटिक यहां से ड्रेन कर रही थी इन लिम्फ नोड्स में। अगर फिलेरियल पैरासाइट या कैंसर या किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो गया तो ये लिम्फेटिक्स ड्रेन नहीं कर पाएंगी, तो यहां पीछे स्क्रॉटम में लिम्फ जमा हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एलिफेंटियासिस। सो एडिमा हो जाएगा जब कभी लिम्फेटिक्स ब्लॉक होंगी, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि वो लिक्विड जो सेल्स के बीच में है वो अपने लिम्फ नोड्स तक पहुंच नहीं पा रहा, और चूंकि वो पहुंच नहीं पा रहा तो पीछे स्वेलिंग हो रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बार बार मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, लिम्फेटिक्स प्रोवाइड मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल। भाई इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि कैंसर की फील्ड में, मेरी अपनी फील्ड ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है तो मैं हर वक्त कैंसर की बात जरूर करता हूं। अब सपोज ये कैंसर सेल्स हैं, सारे कैंसर सेल्स, और इनके साथ गुजर रही हैं लिम्फ वेसल्स, तो क्या हो रहा है, देखें, कैंसर के सेल्स लिम्फ वेसल के अंदर एंटर हो रहे हैं और हर जगह फैलना शुरू कर रहे हैं, देखें, दे आर गोइंग एवरीवेयर। तो जरा लार्जर पिक्चर में सोचो होगा क्या, सपोज ये सेल्स हैं, ये दो नॉर्मल सेल्स हैं और ये कैंसर सेल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसी तरह एक कैंसर सेल्स हमारे पास यहां है। अब ये है लिम्फेटिक
कैपिलरीज, ये लिम्फेरिक कैपिलरीज आपको पता है लिम्फेरिक वेसल बनाएंगी और लिम्फ नोड बनेगा। अब ये लिम्फ नोड बनेगा और अल्टीमेटली क्या बताया था मैंने आपको कि ये लार्जर लिम्फेरिक वेसल जाती कहां है, वेन के अंदर, ठीक है। अब जरा सुनो इस कॉन्सेप्ट को, ये तो नॉर्मल सेल्स थे, अब यहां पे डेब्री था तो ये डेब्री यूजुअली जाता था लिम्फेरिक सिस्टम के अंदर, लेकिन कैंसर सेल्स भी इस लिम्फेरिक सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो ये कैंसर सेल भी चला जाएगा अंदर, जैसे यहां दिखा रहे हैं, देखें ये कैंसर सेल चला गया। अब जब कैंसर सेल इसमें से फिल्टर होते 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 ये मल्टीपल काम करेगा, एक तो ये कैंसर सेल ये कर सकते हैं कि ये लिम्फ नोड में बैठ सकते हैं। अब जब लिम्फ नोड में बैठेंगे तो मैंने क्या बताया, लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाएगा, तो आपको महसूस होगा ओहो गठली महसूस हो रही है, लिम्फ नोड का साइज बढ़ गया। तो पेशेंट अक्सर आता है कि डॉक्टर साहब मेरे एक्सिला में ये मुझे कुछ गठली महसूस हो रही है, कुछ गुलटी महसूस हो रही है, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं, तो आप जब उसको एग्जामिन करेंगे आप अंदाजा करेंगे ओहो एक्सिला में लिम्फ नोड का साइज बढ़ा हुआ है, सो पॉसिबल है कि ब्रेस्ट से कैंसर सेल्स आके यहां जमा हो गए हो। एक तो ये काम होगा कि कैंसर सेल्स लिम्फ नोड में स्टे कर लेंगे, दूसरा ये कैंसर सेल जरा देखिए आपके ब्लड स्ट्रीम में भी शामिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं ये लिम्फेरिक सिस्टम अल्टीमेटली कहां ड्रेन करता है, वेनस सिस्टम में, तो कैंसर सेल घूमते 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 कहां आ जाएंगे, वेनस सिस्टम में, और एक दफा वेनस सिस्टम में अगर आ गए, अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा फिर पीछे वाली डायग्राम पे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, और अब आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा सही तरीके से समझ में। पहली डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी कहां है वो डायग्राम, दिस वन, ये अब सोचो जरा, सोचो इस लिम्फेरिक्स में से कौन गुजर रहा है, ये कैंसर सेल, तो भाई ये कैंसर सेल अल्टीमेटली कहां ड्रेन करेगा, आपके वेन में, वेन से कहां जाएगा हार्ट में, हार्ट से कहां चला जाएगा लंग्स में, तो लंग्स में कैंसर सेल बैठ सकते हैं, फिर वो वापस आएगा आपके हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, तो बेसिकली ये जो कैंसर सेल्स हैं अगर एक दफा लिम्फेटिक्स में एंटर हो गए तो भाई पूरी बॉडी में फैल सकते हैं और जगह जगह जाके घर बना सकते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं चलो बताओ, अगर कैंसर सेल्स पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाए अपनी ओरिजिनल साइट से निकल के, तो भाई इस फिनोमिना को कहते हैं MET, मेटास्टेसिस, सुनाइए नाम, मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि कैंसर सेल्स पूरी बॉडी में फैल गए, भाई कैसे फैले, लिम्फेटिक्स के जरिए फैले, तो ये आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है कि कैंसर सेल्स कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी वाया लिम्फेटिक्स, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस। अब चूंकि आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि ये होगा कैसे, कैंसर सेल्स जाएंगे लिम्फेरिक कैपिलरीज में, लिम्फेरिक कैपिलरीज से जाएंगे लिम्फेरिक वेसल्स में, वहां से जाएंगे लिम्फ नोड्स में, वहां घर करेंगे, लिम्फ नोड से घूमते घूमते जाएंगे वेनस सिस्टम के अंदर, वेनस सिस्टम से लंग्स में घर कर सकते हैं, वहां से वापस हार्ट में आएंगे और आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए कैंसर के सेल्स मेटास्टेसिस के जरिए लिवर पहुंच सकते हैं, ब्रेन पहुंच सकते हैं, बोन्स में पहुंच सकते हैं, लिम्फ नोड्स में पहुंच सकते हैं, लंग्स में पहुंच सकते हैं। मेटास्टेसिस अगर एक दफा हो गई इसका मतलब कैंसर काफी एडवांस हो गया, ठीक है, तो लिम्फेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा अब ये दो इन्होंने चीजें यहां बताई हैं इस चैप्टर में, स्प्लीनोमेगैली और थायमस का साइज, मैसे ये लो यील्ड है क्योंकि ये मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपको मैं पैथोलॉजी मेडिसिन की चीजें पढ़ा रहूंगा, इस वक्त लिम्फ नोड के चैप्टर से सिर्फ इतना ही। अब आपको एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, चार पार्ट्स हैं, कौन कौन से, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जिसको हम नाम दे सकते हैं, सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू है, पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू है, और लिम्फॉइड सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर हमने ये देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये शुरू होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो सेल्स के बीच में से स्टार्ट हो जाती हैं, लार्ज पार्टिकल्स को लेकर चलती हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, वहां से ये जाती हैं लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स से लार्जर लिम्फेरिक वेसल्स और अल्टीमेटली इनटू द वेनस सिस्टम, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट लिम्फ नोड के फंक्शंस पढ़े, सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेरिक सिस्टम। आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, और हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, BD84 हम पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया लिम्फेरिक सिस्टम जो था चैप्टर नंबर 6, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।